चैप्टर है सेट। सेट क्या होता है? सबसे पहला सवाल कि सेट क्या होता है, तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, और थिंग्स और लेटर्स और नंबर्स, ठीक है, इन चीज का अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं तो उसको कहा जाता है सेट। तो सेट एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द कलेक्शन। कलेक्शन होने का मतलब क्या होता है? ग्रुप। बाय द वे, अगर कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी वो अवेलेबल है, उसका हम लोग एक ग्रुप बना दिए, उसका एक कलेक्शन कर लिए। बाय द वे, अगर मेरे पास कुछ इंग्लिश का अल्फाबेट्स है, लेटर्स ए बी सी डी या वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये जो भी होता है, इसका अगर एक ग्रुप बना दिया जाएगा, इसको अगर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एक टाइप का सेट होता है। अब देखिए इसके साथ दिक्कत क्या है, छोटा सा एक दिक्कत कि कलेक्शन जो होता है, अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन डज नॉट वैरी पर्सन टू पर्सन, ये आदमी के साथ चेंज नहीं करता है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो हो सकता है आप में से कोई बोलेगा कि देखिए सर 10 to the power 20 जो होता है ये सबसे बड़ा नंबर होता है। कोई ये आंसर दे सकता है कि सर 10 to the power 15 सबसे बड़ा नंबर होता है। किसी तीसरे पर्सन का आंसर होगा सर 10 to the power 100 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहां पे जब आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखिए ये जो ग्रेटेस्ट है वो जो वर्ड आया उसके कारण पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वैरी कर गया। तो अगर हम लोग ऐसे किसी भी पार्ट का कलेक्शन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको सेट नहीं कहा जाएगा। यानी कि ये जो मेरे पास ग्रुप बना या कलेक्शन बना, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है डज नॉट वैरी पर्सन टू पर्सन। अगर आंसर या कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता है तो उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, और अगर वैरी कर गया तो उस टाइम में उसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहते, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, ठीक है, तो पर्सन वन क्या आंसर देगा? पर्सन वन बोलेगा देखिए इसमें ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। अब पर्सन टू जो है वो क्या आंसर दे सकता है कि ए ई ओ यू आई होता है, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर पांच एलिमेंट, इसके अंदर भी कितना, पांच एलिमेंट हो सकता है। इसको है ना कॉन्सिक्यूटिव तरीके से कंटिन्यूअसली याद नहीं होगा, तो इस कारण से क्या हुआ, उसका सीरीज थोड़ा आगे पीछे हो गया। मगर आप देखेंगे कि इस वाले कलेक्शन के अंदर टोटल पांच एलिमेंट है, इस कलेक्शन में भी पांच एलिमेंट है, ए प्रेजेंट दोनों में, ई प्रेजेंट दोनों में, आई प्रेजेंट दोनों में, ओ भी प्रेजेंट है और यू भी प्रेजेंट है। तो दोनों का दोनों एक दूसरे का डुप्लीकेट हो गया। तो यहां पे एक पर्सन P1 ये आंसर दिया और इस प्लेस पे एक पर्सन P2 आंसर दिया। तो जैसा बोला गया था कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्बल्स, अगर इसमें आप चेक करें तो P1 का आंसर और पर्सन टू सेकेंड पर्सन का आंसर, दोनों का आंसर सेम है। मतलब कि जो आंसर था वो वैरी नहीं किया पर्सन टू पर्सन। इस कारण से ये जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्बल्स, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट, ठीक है। तो सेट क्या है? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स थिंग्स लेटर्स और नंबर्स। सोच के जवाब दीजिएगा कि सेट है कि नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज इन क्लासरूम
बोलिए ये सेट है कि नहीं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टॉय बॉयज इन क्लासरूम, ये सेट है कि नहीं? देखो ना कौन बोल रहा है, आप में से किसी का अगर माइक ऑन है ना, तो आप माइक ऑन तभी करें जब आपको आंसर देना हो या फिर कोई डाउट पूछना हो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा साउंड आता है तो कुछ बच्चे जो बोलना चाहते वो बोल भी नहीं पाते, ठीक है। देखिए कहा गया कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज इन क्लासरूम। अब टॉल के लिए हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया कि कितने यूनिट पे हम उसको टॉल कहेंगे। मान ले रहे हैं जैसे कि अगर वो 5.5 फुट का होगा हम उसको टॉल बोलेंगे, 5.5 फुट से ऊपर होगा हम उसको टॉल बोलेंगे। मगर यहाँ पे क्या हमको कोई भी ऐसा यूनिट बताया गया कि हाँ आपको कहां से स्टार्ट करना है? कुछ नहीं। तो इस प्लेस पे एक्चुअल में क्या है कि हम लोग के पास कुछ बताया नहीं गया कि आपको कहां से स्टार्टिंग करना है। तो ये जो टॉल वर्ड है, ठीक है, ये एक टाइप का एडजेक्टिव है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि ये सेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज, मान लीजिए आपसे ये कह दिया गया कि कलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेस देन 5, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट होता है। अब 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? 1, 2, 3 और 4 होगा। आप थोड़ा सोच के बताइए क्या दूसरा पर्सन आंसर देगा तो इसके अलावे कुछ आंसर आएगा कि यही आंसर आएगा? बोलिए, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 मतलब कि इसमें आंसर कुछ वैरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। तो अगर पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वैरी नहीं कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं इट इज सेट, यानी ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये कह दिया गया कि गुड क्रिकेटर इन इन इंडिया, बोलिए तो कौन होगा? गुड क्रिकेटर इन इंडिया कौन होगा? कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको, हो सकता है कोई पसंद हो, ठीक है, कि मान ले रहे हैं जैसे वो काफी अच्छा बैटिंग करता है, कोई ये सोचेगा वो काफी अच्छा बॉलिंग करता है, कोई ये सोचेगा वो काफी अच्छा फील्डिंग करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके कारण पर्सन टू पर्सन आंसर वैरी करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अब जाके एक समरी मिल गया, अगर आप इस चीज पे ध्यान दें तो आपको अभी अभी एक समरी मिल गया। देखिए इंग्लिश में ये जो गुड होता है बेस्ट होता है, ठीक है, टॉल या टॉलेस्ट, ये सब वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि अगर मेरे पास कभी भी स्टेटमेंट में एडजेक्टिव प्रेजेंट होगा वैसे केस में वो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होने का मतलब वो कभी भी सेट नहीं होगा। तो क्या डिक्लेरेशन हम लोग ले सकते हैं यहां से कि इफ इफ कलेक्शन, इफ कलेक्शन कंटेन कंटेन एनी एडजेक्टिव देन इट इज नॉट सेट, वैसे केस में ये सेट नहीं होता। अगर एडजेक्टिव है किसी भी स्टेटमेंट में, अगर एडजेक्टिव है किसी भी स्टेटमेंट में, अगर एडजेक्टिव है तो वो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, मतलब वो सेट नहीं होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हटा के आगे बढ़ेंगे। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अपना। देखिए पॉइंट बाई पॉइंट थोड़ा बात सेट से रिलेटेड, सेट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर, ठीक है,
इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि किसी सेट को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए, कोई बी होगा, कोई डी होगा, कोई एस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल लेटर्स। दूसरा, सेट एलिमेंट्स, सेट का जो भी एलिमेंट होगा, सेट एलिमेंट्स रिटन इन कर्ली ब्रेस, सेट जो भी होगा वो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा जाएगा, कर्ली ब्रेस, ठीक है। कर्ली ब्रेस किसको कहते हैं, कुछ इस टाइप का होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट लिखा जाएगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो सेट है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए ए कोई एक सेट है और इसमें एलिमेंट है 1, 2 और 5, ठीक है। बी कोई एक सेट है, इसके अंदर है ए, सी और डी, ये लिखा हुआ। तो जब कभी भी कर्ली ब्रेस में एलिमेंट्स को लिखा जाएगा उसको हम लोग सेट बोलेंगे। तो सेट के लिए एलिमेंट्स कौन से प्लेस पे होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि सेट को अब रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कुछ ये तरीका लेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए दो प्रोसेस होता है। सबसे पहला कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एक कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर एक सेट को रिप्रेजेंट करना है और उसमें हमको सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना है, तो क्या कहता है ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट और कंडीशन, कुछ भी कंडीशन या स्टेटमेंट दिया गया है, इफ स्टेटमेंट और कंडीशन प्रेजेंट टू डिफाइन सेट देन इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे केस में इसको क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। कौन से टाइप का स्टेटमेंट होगा, या तो पूरा का पूरा इंग्लिश का स्टेटमेंट होगा और नहीं तो मैथमेटिकल कंडीशन होगा, या तो पूरा का पूरा इंग्लिश का स्टेटमेंट होगा और नहीं तो मैथमेटिकल कंडीशन होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है कि ए इज एनी सेट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो अभी हम लोग क्या देखे कि यहां पे कह रहा है कि ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन है, एक्स, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट कौन है, एक्स। तो एक्स अगर कोई एलिमेंट है तो कौन सा एलिमेंट है, वो एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर किससे छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो क्योंकि इस सेट के एलिमेंट को हम लोग स्टेटमेंट से दिखा रहे हैं, इस कारण से ये कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए। सेट ए का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मेट होता है उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अपने आप में इसमें क्वेश्चन बनता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा और आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, या रोस्टर फॉर्म में आपके पास सेट दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करना होगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो दो डिफरेंट फॉर्मेट होता है ये इंटरचेंजेबल होता है। अगर आप चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट करने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं पहले वो समझ ले। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सेट इन विच इंडिविजुअल एलिमेंट्स रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के भीतर क्या होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा हुआ रहता है। मतलब कौन से तरीके का, तो देखिए ए जैसे यहां पे क्या बोला था कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसी ए का रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर लेस देन 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएगा, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। तो ए के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स दिख रहा है, देन इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और अगर कभी मैथमेटिकल कंडीशन या स्टेटमेंट दिख रहा है उस टाइम में उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए सेट बी है और क्या लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7। कोई सोच के बता सकता है ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है? आंसर दीजिए। ये सेट बिल्डर, ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म है कंडीशन के हिसाब से। अब इसी सेट बिल्डर का हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है तो बताइए क्या क्या एलिमेंट लिख सकते हैं। कहा गया x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से, ठीक है, जीरो से। टू से बड़ा होना चाहिए और सेवन से छोटा होना चाहिए, तो टू से बड़ा होल नंबर कौन होगा? थ्री, और कौन? फोर, फाइव, सिक्स। क्या हम सेवन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बोला गया कि सेवन से छोटा होल नंबर लीजिए और टू से बड़ा होल नंबर लीजिए। कौन कौन इंक्लूड होगा? थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। तो ये जो अभी लास्ट वाला रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है रोस्टर फॉर्म, इट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। चलिए देखिए यहां बोर्ड पे जितना भी पार्ट है इसमें कहीं किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। फिर आप लोगों को नंबर सिस्टम याद है? कोई बताएगा नेचुरल नंबर से होल नंबर बड़ा होता है कि छोटा होता है? नंबर सिस्टम पढ़े है ना? ज्ञान प्रकाश, आरबी सेंटर, नंबर सिस्टम पढ़े हैं? यस सर। हाँ बताइए, नेचुरल नंबर होल नंबर से बड़ा होता है कि छोटा होता है? नहीं पता, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। क्योंकि अगर आपको ये टेन का ही पार्ट है, ये नाइन में भी पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम, ये टेन में भी पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है, बस उसी का पार्ट है। नेचुरल नंबर एन, एन जो होता है, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर्स अगर हम लोग यहां पे लिखना चाहे तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थ्री फोर से लेके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर्स होगा स्टार्टिंग कहां से होगा? जीरो से। तो सारा पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो वन टू थ्री फोर से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, चलता जाएगा। थर्ड, रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर। कोई बताएगा रेशनल नंबर कैसा होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, पढ़े हैं रेशनल नंबर कैसा होता है? नहीं, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जबकि क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन से फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर? पी बाई क्यू, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर में कौन कौन इंक्लूड हो सकता है थोड़ा वो समझिएगा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आएगा, मान ले रहे हैं जैसे वन बाई टू, थ्री बाई फाइव, सेवन बाई टू, ऐसा कुछ नंबर्स आएगा। नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, कुछ नेगेटिव्स भी आएगा, मान लीजिए जैसे 10 बाई 3, ये लिखा है। ये सब कौन से टाइप का? ये सब रेशनल, p बाई क्यू के फॉर्म में, जबकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो है, फोर्थ इंटीजर्स, आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट होता है। अब इंटीजर्स कहने का मतलब उसमें p बाई क्यू का फॉर्मेट नहीं होगा, तो p बाई क्यू का फॉर्मेट नहीं होने का मतलब इसके भीतर नेगेटिव से स्टार्ट होके माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री, ऐसा कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव विथ इंक्लूडिंग जीरो सब एग्जिस्ट करेगा, मगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में बेसिकली नहीं होता है। तो क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी इंटीजर, मान लीजिए जैसे जेड इज इक्वल्स टू माइनस थ्री लिखा है, तो इसको तो हम माइनस थ्री बाई वन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा का सारा इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं,
सारा इंटीजर रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मगर रैशनल नंबर को इंटीजर के फॉर्म में आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि जेड बड़ा हुआ यानी कि ये जो इंटीजर्स था ये बड़ा हुआ या फिर रैशनल नंबर बड़ा हुआ, तो आप ये कहेंगे कि जेड छोटा होता है और रैशनल नंबर बड़ा होता है। ठीक है, इंटीजर छोटा होता है और रैशनल नंबर बड़ा होता है, यानी पूरा का पूरा इंटीजर रैशनल में होगा मगर सारा का सारा रैशनल इंटीजर में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज इरेशनल नंबर है। देखिए फिफ्थ जो है अपने पास, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्यू के ऊपर सी लिखा रहता है। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा, तो आप ये कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर छोड़ के जो भी रियल नंबर प्रेजेंट होगा वो सब का सब क्या होगा, इरेशनल होगा। तो चलिए ये तो स्टेटमेंट वाला बात हो गया ना, अगर इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर लिखते हैं वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें, जैसे आप लिख लिए रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब। तो देखिए हर बार हम क्या किए, स्क्वायर रूट के भीतर में जो नंबर प्रेजेंट है वो प्राइम नंबर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा जाता है वो रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। सिक्स रियल नंबर, रियल नंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स, ऑल एग्जिस्टिंग नंबर्स, ऑल एग्जिस्टिंग नंबर्स फॉर विच स्क्वायर इज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं और वो स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो वो कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर किए, पावर टू किए और अगर वो पॉजिटिव हो गया तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर मेरे पास जो भी होगा उसमें एक नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखिएगा रियल नंबर के भीतर कौन कौन आ सकता है, इसमें आप माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करें, माइनस थ्री, माइनस टू, ये सब नंबर आएगा, वन बाई टू, फाइव बाई थ्री, ऐसा नंबर आएगा और कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन देने के बाद थोड़ा आप सोच के बताइएगा सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, रियल नंबर सबसे बड़ा, इससे छोटा कोई भी आंसर दे सकते हैं, नहीं पता तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम बताएंगे फिर आपको। आप देखिए सबसे बड़ा रियल नंबर, इससे भी बड़ा एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मगर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर 11 क्लास में पढ़ेंगे तब जाके हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग कोई डिस्कशन उसका नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग को कुछ नहीं आता है, इस कारण से अभी कॉम्प्लेक्स का कोई डिस्कशन नहीं। अपने लिए अभी तक सबसे बड़ा नंबर कौन है, रियल, रियल सबसे बड़ा। इससे छोटा जो होता है वो होता है रैशनल। ठीक है, इससे छोटा होता है रैशनल, तो रैशनल और इरेशनल में आप कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा क्वांटिटी में नंबर्स होता है, दोनों में लगभग सेम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करता है। तो रियल सबसे बड़ा, उससे छोटा रैशनल और इरेशनल, इससे छोटा होता है इंटीजर्स, आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे छोटा होता है होल नंबर, इससे छोटा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसे छोटा, मतलब कि अगर ये बड़ा सा सर्कल रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारा रैशनल नंबर इसके अंदर आएगा, ये रैशनल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अदर देन रैशनल, इस सर्कल को छोड़ के जो भी रियल नंबर बच गया वो क्या होता है, इरेशनल होता है। देखिए क्या लिखा है, ऑल रियल नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर आर इरेशनल। तो ये सर्कल अगर रैशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको छोड़ के जो भी रियल नंबर बच गया वो सबका सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल के अंदर में एग्जिस्ट करता है इंटीजर,
इसके अंदर है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर होता है होल नंबर, इसके अंदर होता है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से चलता है, नेचुरल सबसे छोटा, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उसके बाद रेशनल इरेशनल, और सबसे बड़ा कौन होता है रियल नंबर। ठीक है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, ये बार बार आता रहेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एंडिंग तो सबका इंफिनिटी है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा नंबर कहां से स्टार्ट होता है और कौन से सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक सेट ए जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये पार्ट सोचिए, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और कह रहा है कि x जो है वो a का एलिमेंट होगा। अब अगर x a का एलिमेंट है तो उसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, इसको ये पढ़ते हैं, और मान ले रहे हैं अगर इसके भीतर नहीं प्रेजेंट होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। यहां पे बोला गया कि x जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने सीखे हैं, मिडिल स्प्लिट करेंगे तो 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 2, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लिखा जा सकता है x प्लस 1 और x प्लस 2 0। सोच के देखिए, x प्लस 1 0 तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस 1, x प्लस 2 0 तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस 2, तो x का कितना वैल्यू निकला, दो वैल्यू निकला, x का कितना, दो वैल्यूएशन आया अपने पास। इन दोनों को जब हम एक कर्ली ब्रेस के अंदर क्लोज करेंगे, माइनस 1 को और माइनस 2 को, तो वो कौन सा सेट कहलाएगा, सेट ए कहलाएगा। तो अभी अभी मेरे पास ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये कौन से टाइप का, इट इज सेट बिल्डर, ये कैसा दिया था, सेट बिल्डर दिया था, और हम लोग अभी अभी जो कन्वर्ट करके लिखे हैं, ये कौन सा फॉर्मेट है ए का, इट इज द रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है सेट ए का। ठीक है, तो सेट बिल्डर में कंडीशन है और ए में एलिमेंट है, कंडीशन वाले को हम लोग सेट बिल्डर कहते हैं, और जब कभी भी एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको नोट कर लें, और ये दूसरा क्वेश्चन एक बनाइएगा, बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लाइज बिटवीन -3 to 5। ठीक है, एकदम देखिए, आपको इंग्लिश का स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेट बिल्डर में हम पहले ही बोले थे, या तो आपको स्टेटमेंट देगा और नहीं तो आपको कंडीशन देगा, तो मैथमेटिकल कंडीशन इस तरीके से लिखा हुआ होता है, और सिंपल इंग्लिश का स्टेटमेंट तो आपके सामने लिखा ही है। ठीक है, आपको क्या करना है कि बी का रोस्टर फॉर्म लिखना है कर्ली ब्रेस के अंदर, बताइए क्या होगा आंसर, बनाइए सब कोई, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, यही ना, -2 between -3 to 5, तो -3 और 5 के बीच में लिखना है, तो -2 -3 से बड़ा हो जाएगा, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और तब जाके कौन 4। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। हाँ बोलिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर उसके बाद अपने पास और भी क्वेश्चन है, हम बताते चलेंगे, एक दो बीच में पूछते चलेंगे आपसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस बार हम क्या दे रहे हैं ना, रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर में कन्वर्जन सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे कि एक सेट लिखा है सी, सी इज द सेट कंटेनिंग
2, 4, 6, ठीक है 2, 4, 6, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। और हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा ना कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, बोला गया कि कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब या तो हमको ऐसे मैथमेटिकल कंडीशन बनाना होगा और नहीं तो इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, मैथमेटिकल कंडीशन बहुत टाइप का होता है, स्टेटमेंट बहुत टाइप का होता है, मगर इंडिविजुअल एलिमेंट एक ही होता है। तो रोस्टर फॉर्म हमेशा एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म को दो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। मगर जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, इसको आप मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहला इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख रहे हैं, सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 4, और यहां पे प्रेजेंट है मेरा 2x, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम इसको है ना एक अलग कंडीशन बना दिए। क्या कर सकते हैं, c के अंदर x प्रेजेंट है कि 2x प्रेजेंट है? पहले आंसर आप बोलिए, x प्रेजेंट है कि 2x प्रेजेंट है c के अंदर? नहीं पता, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो यहां एक बार देखिए, a के अंदर x प्रेजेंट है तो यहां क्या लिखे थे, x belongs to a। बिल्कुल उसी तरीके से स्टेटमेंट लिखे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा एक बड़ा सा लिख देते हैं। जब भी 2x सच दैट लिखा रहेगा तो सच दैट के बाद कंडीशन होता है, और सच दैट यानी कॉलन से पहले जो लिखा हुआ रहता है ये एलिमेंट होता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि 2x belongs to c, ठीक है, सेट c के अंदर कौन एलिमेंट प्रेजेंट, 2x। किसी को कोई दिक्कत है इससे? ठीक है, समझ गए 2x। अब x कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो सोचिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 4, तो x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। 4 से छोटा नेचुरल 1, 2, 3 होगा, 2x कौन होगा, 2x होगा मेरा 2 से मल्टीप्लाई 2, 4 और 6। देखिए यही तीन एलिमेंट प्रेजेंट है ना इसके अंदर, तो सेट c का एक सेट बिल्डर फॉर्म कर्ली ब्रेस 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 4, ये हो गया एक आंसर। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में कि कैसे इस पार्ट को इतना लिख दिया गया सेट बिल्डर में? आपको दिक्कत यही होगा, रोस्टर से जब कभी भी आपको सेट बिल्डर बनाना होगा तो क्योंकि उसमें मल्टीपल आंसर हो सकता है, इस कारण से उसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है। मगर सेट बिल्डर से रोस्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आपको थोड़ा खास करके ध्यान रखना है किस चीज पे, कौन से कन्वर्जन पे, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्जन पे। अभी आपको एक एग्जांपल दी है, अगर कोई भी लाइन इसमें से नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ लीजिए, तब तक हम दूसरा देखते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा एक और बात, 2, 4 और 6 सबका सब इवन नंबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी इज सेट ऑफ All even numbers between 0 and 7। 0 और 7 के बीच में आने वाला जो भी इवन नंबर है उसका सेट C है। तो 0 और 7 के बीच इवन कौन कौन आएगा, 2, 4 और 6 आएगा, तो ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए दो तरीका से हम आपके सामने रिप्रेजेंट किए, एक स्टेटमेंट और एक मैथमेटिकल कंडीशन। कुछ दिक्कत है तो उसमें पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। ये सब तो हो गया था पहले का सेट, आपको ना बेसिक सिखाएगा मैथमेटिक्स का। आप जैसे किसी भी चैप्टर में जाइएगा, आप कैलकुलस पढ़िएगा, आप अलजेब्रा पढ़िएगा, कोऑर्डिनेट पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, उस जगह पे ये वर्ड जो होता है ना सेट ये बार बार आता रहेगा। तो सेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्लास 11 के मैथमेटिक्स के लिए सेट को समझना जरूरी है। थोड़ा थ्योरेटिकल है मगर आपको इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देगा जिसके ऊपर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना सकेंगे, ठीक है।
इसलिए सेट में अगर कोई भी छोटा सा दिक्कत हो जरूर पूछ ले, क्योंकि बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे। मान लीजिए जैसे कि एक सेट डी है और सेट डी में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, सब इंग्लिश अल्फाबेट एकदम कंटिन्यू। अब इसका अगर हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो, इसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो, ठीक है, क्वेश्चन बना लेते हैं इसको, राइट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, तो डी हम क्या कह सकते हैं, इट इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिफोर ई। ई से पहले का इंग्लिश अल्फाबेट है, तो ए बी सी डी ई, ई से पहले कौन कौन अल्फाबेट आया, ए बी सी डी आया। ठीक है, तो इस चीज का ये हो गया स्टेटमेंट, समझिएगा क्या बोला, इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर ई, तो कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। तो वही चार एलिमेंट सेट डी में लिखा हुआ है, मतलब सेट डी जो रोस्टर फॉर्म में दिया है उसका सेट बिल्डर फॉर्म ये है। ठीक है, और किसी दूसरे तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये है तो इंग्लिश का लेटर्स, तो उसके लिए आप कोई मैथमेटिकल कंडीशन तो इस तरीके से बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से अगर कभी भी आपके सेट में इंग्लिश का अल्फाबेट दिया हुआ हो तो उसके लिए आपके पास सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है कि आप बस उसका एक स्टेटमेंट लिख दें, उसमें कभी कोई मैथमेटिकल कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए और अगला क्या लिखा है, ए दैट इज इक्वल्स टू 3x सच दैट x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और एक चीज, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी में थोड़ा सा और कंडीशन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलिमेंट मिलेगा उसको सेट ए के भीतर लिखेंगे। आप में से क्या कोई पहले ये बता सकता है कि ये जो फॉर्मेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, कौन सा फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, बहुत बढ़िया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको कन्वर्ट करना है इसको रोस्टर फॉर्म में, हम काम कहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले इक्वेशन से, तो x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जब कभी भी पावर 4 के बाद जस्ट पावर 2 रहे, कोई भी ऑड पावर यहां पे नहीं है, इसको कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक, इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। x4 को क्या हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या आपको ये क्वाड्रेटिक टाइप लग रहा है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, हम इस x स्क्वायर के जगह a पुट कर दे रहे हैं, बस पुट कर रहे हैं ताकि सॉल्व कर सके और कुछ नहीं। ठीक है, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू a, और ये मेरा अजम्पशन है, ध्यान रखिएगा हम इसको अज्यूम किए हैं, मान के चले, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां पे ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस a मिडिल स्प्लिट हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया जाए क्या क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। ठीक है, आप सीखे हैं ना ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, तो सीखे हैं आप, करके भी देख लीजिएगा, ये 1 और 2 आएगा। a अगर 1 और 2 आया तो देखिए a है कौन, a है कौन, ए है एक्स स्क्वायर, ए कौन है एक्स स्क्वायर, तो हम ये माने कि एक्स स्क्वायर मेरा 1 होगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, हम ये माने कि एक्स स्क्वायर इस बार 2 होगा, तो यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 2 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 2 आएगा,
तो हमको x का कितना वैल्यू मिला, x का चार वैल्यू मिला। x का हमको क्या क्या वैल्यू मिला थोड़ा यहां लिख रहे हैं। x हमको मिला माइनस रूट टू, माइनस वन, प्लस वन और प्लस रूट टू। माइनस रूट टू, माइनस वन, वन और रूट टू, ये चार वैल्यू मिला। ठीक है, चारों का चारों नंबर बताइए रियल है कि नहीं है, चारों नंबर रियल नंबर है कि नहीं है। देखिए बोलिए आंसर दीजिए। है ना, ये चारों का चारों रियल नंबर है। तो हम लोग से वही बोला गया था कि उसी x को लीजिएगा जो रियल नंबर का पार्ट होगा। तो रियल नंबर में मेरे पास ये चार x वैल्यू आया, मगर आपको ये ध्यान है ना कि a सेट के अंदर x रहेगा कि 3x रहेगा, a सेट के अंदर x रहेगा कि 3x रहेगा, 3x रहेगा, 3x रहेगा, बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेट a लिखें, इसमें x में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे। तो ये क्या बनेगा, माइनस थ्री रूट टू, थ्री से मल्टीप्लाई किए माइनस थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई किए थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई किए थ्री रूट टू। तो टोटल कितना एलिमेंट्स आ गया इसके अंदर, चार एलिमेंट आ गया। अब यहां पे बताइएगा ट्रू की फॉल्स, ठीक है, आपको आंसर देना है ट्रू की फॉल्स। माइनस थ्री रूट टू बिलोंग्स टू सेट ए, बोलिए ट्रू की फॉल्स, आंसर देना क्या, बोलिए बोलिए, ट्रू होगा। ठीक है, एकदम ट्रू होगा। अब लिखा है फाइव बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू की फॉल्स, फाइव बिलोंग्स टू ए, ट्रू की फॉल्स, आंसर दीजिए आंसर, फॉल्स होगा क्योंकि यहां पे फाइव प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स होगा, हम लोग ये कह सकते हैं फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। देखिए अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखा गया जिसमें कि सेट बिल्डर फॉर्म जो मैथमेटिकल इक्वेशन कंटेन कर रहा था वो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, उसको सॉल्व किया गया और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, कोई डाउट है बोर्ड पे जितना भी पार्ट लिखा हुआ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, लिखा है सेट ए जिसके अंदर है टू फाइव सेवन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सेकेंड है थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, थर्ड क्वेश्चन ये है फाइव बिलोंग्स टू सेट ए, फोर्थ क्वेश्चन है सेवन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, फिफ्थ इट इज रोस्टर फॉर्म, इट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। चलिए बोलिए फर्स्ट वाला ट्रू की फॉल्स, आंसर देते चलिए, फर्स्ट वाला फॉल्स। ठीक है, क्योंकि टू तो ए के अंदर प्रेजेंट है ना, और ये बोल रहा है कि टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए जबकि वो ए के अंदर है, तो स्टेटमेंट कैसा निकला, फॉल्स निकला। सेकेंड वाले का आंसर बोलिए ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि कह रहा है कि थ्री इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, थ्री सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, हम लोग को तो टू फाइव और सेवन दिख रहा है, थ्री तो है ही नहीं, स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड वाला ये ट्रू होगा क्योंकि फाइव इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो लिखा जा सकता है कि फाइव बिलोंग्स टू सेट ए। फोर्थ नंबर सेवन डज नॉट बिलोंग्स टू ए जबकि सेवन तो यहां पे प्रेजेंट है, इस कारण से ये कैसा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा फिफ्थ नंबर इट इज रोस्टर फॉर्म, इट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ ए, ट्रू, बिल्कुल सही, ये तो रोस्टर फॉर्म ही है क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए कि सेट किसको कहते हैं, कब एलिमेंट बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता है, उसके रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, कैसे रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे, इतना चीज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे छोटा सा पार्ट है और कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप का ये सेट होता है। तो सबसे पहला इसमें जो सेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। ठीक है,
वो जो रोस्टर और सेट बिल्डर है ना वो आता रहेगा, वो बेसिक पार्ट है, वो आता रहेगा। ठीक है, अभी हम पहला टाइप जो बात किए नल सेट, इसी को कहा जाता है वॉइड सेट। इसी का एक और नाम है कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। और बोला कि कलेक्शन कैसा है? खाली। तो अगर खाली कलेक्शन है तो उसके अंदर एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वॉइड का मतलब भी वही होता है, खाली जगह। और नल का मतलब होता है कुछ नहीं। इसका मतलब दिस सेट, हम ये कह सकते हैं दिस सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, जो भी वॉइड सेट होता है, वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस फाई लिख दिए, इसका मतलब है कि वो अपने आप वॉइड सेट हो गया या नल सेट हो गया। दूसरा एक और तरीका होता है कि आपको बताया गया कि सेट को जब भी लिखते हैं तो कर्ली ब्रेस में लिखते हैं। तो कर्ली ब्रेस में अगर कुछ एलिमेंट है तो वो नल सेट नहीं है। और अगर आप केवल कर्ली ब्रेस डाल के छोड़ देंगे खाली, तो इसको कहा जाएगा एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। तो नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक होता है फाई लिख के रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है कर्ली ब्रेस बना के खाली छोड़ दिया जाता है, वो भी रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है ये रोस्टर फॉर्म है, ये दोनों रोस्टर फॉर्म है, जिसमें कि आप दिखा दिए कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मगर इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा ना वो बहुत अलग अलग कंडीशन के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप में से किसी को कोई इस बात को लेके दिक्कत तो नहीं है कि नल सेट किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको नल सेट कहते हैं। नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाई से, और नहीं तो कर्ली ब्रेस बना के बीच में खाली छोड़ दिया जाता है। और ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका कौन सा फॉर्मेट? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, अब उस पर बात कर रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ नल सेट। देखिए, एक्चुअल में सेट बिल्डर का मतलब होता है मैथमेटिकल कंडीशन या स्टेटमेंट। तो आप कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन या स्टेटमेंट डाल दीजिए जो फुलफिल नहीं हो रहा है। फुलफिल अगर नहीं होगा तो एक भी वैल्यू नहीं देगा, और अगर एक भी वैल्यू नहीं दिया इसका मतलब है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे आप मेरी बात को? कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन दे दे जो कि फुलफिल नहीं हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक नल सेट को या वॉइड या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ एग्जांपल देखिए, एक दो आपसे भी पूछेंगे। ए लिखा है, ठीक है, ए लिखा है, क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सोचिएगा, ठीक है, हम आपको थोड़ा समझाते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अभी जो आपको हम रियल नंबर के लिए एक डेफिनेशन दिए थे उसमें हम क्या बोले कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो वो रियल होता है, और अगर नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो वो रियल नहीं होगा। तो क्योंकि x का स्क्वायर नेगेटिव है इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर नेगेटिव है इसलिए x कोई रियल नंबर नहीं होगा, और अगर x रियल नंबर नहीं हुआ तो ये तो कह रहा है कि आपको जब लिखना है तो रियल नंबर लिखना है और हमको कोई रियल वैल्यू नहीं मिला, तो हम डिक्लेरेशन क्या देंगे कि सेट ए डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट hence it is null set। ये कैसा है? null set।
बोलिए सबको ये कंडीशन समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है? इसका बहुत सारा केस हो सकता है, एक बार देख लीजिए। आपको अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया या डाउट है या कुछ और क्रॉस क्वेश्चन करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पूछ लीजिए। बोलिए सेट बी जो है ये नल सेट होगा कि नहीं होगा? पढ़ लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो होगा। हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से और हमेशा पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है बस वही सब, सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वो नेचुरल नंबर होता है। मगर ये क्या कह रहा है ना कि वो जीरो से लेस होना चाहिए, तो जीरो से छोटा कोई नेचुरल नंबर तो कभी होता ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी बी इज वॉइड या नल से, ठीक है, वॉइड या नल से। बी कैसा है? एक वॉइड या नल सेट है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करेंगे कि बी इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू फाइव, क्योंकि फाइव को हम यूज कर सकते हैं ना, फाइव को यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। तो अगर बी के अंदर कहा गया एक भी एलिमेंट नहीं है तो बी जो है वो फाइव के इक्वल होता है। देख लीजिए इसमें से कुछ भी पार्ट अगर समझने में दिक्कत है पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप या नोट कर लें, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड टाइप्स में ही कंटिन्यू है हम लोग, ठीक है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, सिंगल टी ओ एन, ठीक है, सिंगलटन सेट। नाम से आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, एक, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि दिस सेट या इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट इसके भीतर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मान लिया जैसे कोई एक सेट ए लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा है यहां पे वन, एक सेट बी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है माइनस इलेवन, एक सेट सी लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है 77, एक सेट डी लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 0, सब में कर्ली ब्रेस के अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ही नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, केवल एक एलिमेंट। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो ये एग्जाम्पल हुआ कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल हुआ सिंगलटन का, रोस्टर फॉर्म। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो, ठीक है, इसी सेट ए को दिखाते हैं, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए जो है ए, ठीक है, इट कंटेन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन टू। देखिए क्या बोला, ए का एलिमेंट एक्स होगा, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होगा और वो नेचुरल नंबर टू से लेस होगा। तो हम लोग को इतना तो पता है कि नेचुरल स्टार्ट होता है वन से, और ये बोल रहा है कि आप टू से छोटा नेचुरल लीजिए, तो कुल मिला के मेरे पास बचा क्या, वन। तो इसी सेट ए के भीतर जो एक अकेला एलिमेंट वन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से, x such that x belongs to natural number and x is less than 2, यानी natural number less than 2 हमेशा क्या होगा, 1। ये हो गया a का set builder form। b का लिखते हैं, b का, ठीक है, b के लिए आप ये कह सकते हैं कि 2x minus 1 such that x is equals to minus 5। देखिए तो क्या बोला गया, 2x minus 1 कोई कंडीशन नहीं, 2x minus 1 is element of b, ठीक है, 2x minus 1 कोई कंडीशन नहीं, क्यों, क्योंकि ये सच दैट कॉलन से पहले लिखा है, कॉलन से पहले जो भी होगा वो हमेशा सेट का एलिमेंट होता है। तो 2x minus 1 b में रहेगा, जबकि x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, माइनस फाइव। सोचिए x के जगह माइनस फाइव रखें, माइनस टेन और माइनस वन कितना हो गया, माइनस इलेवन हो गया। तो ये इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म, कोई जरूरी नहीं है कि आप आंसर यही लिखेंगे,
जब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है। हर एक सेट बिल्डर फॉर्म का जो कि मैथमेटिकल नंबर्स कंटेन करता है उसका मल्टीपल फॉर्मेट हो सकता है, मगर जो इंग्लिश अल्फाबेट कंटेन करता है उसका एक ही फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, उसमें से एक आंसर हम आपको दिखा दिए कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई सोच के सी के बारे में कुछ बताएगा? सी 77 है। कोई सेट बिल्डर आपकी तरफ से अगर आता है तो ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं, चलिए ठीक, देखते हैं। सी 77 चाहिए हमको, 77 हम ये कह सकते हैं 11x such that x is equal to 7। एक तो दिए ना, उसके जैसा मिलता जुलता आप आंसर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, x जो है वो 7 हो गया, x की जगह 7 रखे हैं तो 11 into 7 कितना हो गया, 77। और 11x is the element of c, यहां पे हम ये कह सकते हैं 11x belongs to set c। यहां हम क्या कह सकते हैं, यहां बोला जा सकता है 2x minus 1 belongs to set b। यहां क्या बोलेंगे, x belongs to set a, यानी x का एलिमेंट a है, b का एलिमेंट, सॉरी a का एलिमेंट x है, b का एलिमेंट 2x minus 1 है, c का एलिमेंट 11x है। बिल्कुल उसके जैसा d को क्या लिखा जा सकता है, 0। तो कहेंगे x सच दैट x इज फर्स्ट होल नंबर। देखिए हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसमें से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या सर उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी डी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हम एक स्टेटमेंट बनाए थे, देखिएगा, फर्स्ट होल नंबर, तो होल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 से होता है। ठीक है, तो अगर पहला होल नंबर लेंगे तो वो कौन मिलेगा, 0, और डी हमको 0 ही तो चाहिए था। ठीक है, दूसरा एक देखिए, इसी डी को रिप्रेजेंट करना है, इसी डी को आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1 एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए क्या बोला गया, एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा और प्लस 1 से छोटा होगा, और x किसके अंदर होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, x कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो माइनस 1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है, 0। माइनस 1 देखिए ना, नंबर लाइन आप सीखे हैं ना जिसमें इंटीजर दिखाते हैं, यहां माइनस 1 होता है, यहां 0 होता है, यहां 1 होता है। तो माइनस 1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 0। तो ये जो सेट डी रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट 0 कंटेन कर रहा है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये क्या हुआ, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और ये क्या है, ये अपने पास एक इंग्लिश का सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैथमेटिकल कंडीशन और स्टेटमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इन सबका सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन से टाइप पे, सिंगलटन। सिंगलटन कहने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, आप देख लिए रोस्टर फॉर्म में उसका एग्जांपल, आप यहां देख लिए सेट बिल्डर फॉर्म में उसका एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ेंगे थर्ड। ठीक है, सिंगलटन हो गया, एक है अपने पास फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इट कंटेन Countable number of elements। इसमें काउंटिंग के हिसाब से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हम आपको नेचुरल नंबर बताए तो हम क्या बोले, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, मगर यहां पे क्या बोला गया कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेट ई है, देखिए क्या लिखा है, -5, -3, -1, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और 3।
तो यहां पे अगर हम काउंटिंग करें तो एक दो तीन चार पांच छह, छह एलिमेंट हो रहा है। आप मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, इन सेट ई दैट इज इक्वल्स टू सिक्स, और इसी को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। और अभी हम लोग को वो कितना दिख रहा है, सिक्स। कार्डिनल नंबर, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका काउंटिंग बताइए। तो अगर हम काउंट करें एक दो तीन चार पांच छह, तो हम कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर इस सेट का सिक्स होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन ई लिखा है, इसका मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई, सेट ई का कार्डिनल नंबर। और अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये कितना वैल्यू दे रहा है, सिक्स दे रहा है। तो कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, और काउंटिंग अगर कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है। और अगर वो काउंटेबल है तो सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। तो हम यहां मेंशन कर दें, सिंस एलिमेंट्स ऑफ, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई, ऑफ सेट ई इज काउंटेबल, इज काउंटेबल, काउंटेबल है, देयरफॉर इट इज, ये कैसा है, इट इज फाइनाइट सेट। ये कैसा कहलाया, एक फाइनाइट सेट कहलाया। तो जिस किसी भी सेट के भीतर जितना एलिमेंट है अगर हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी सेट पढ़ रहे थे सब फाइनाइट सेट था, बस नेचुरल, होल, रेशनल, रियल नंबर, इरेशनल, इसको छोड़ के। ठीक है, ये सब जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। और बाकी जितना भी ये सब सेट पढ़ रहे हैं हम लोग जो अभी तक काम किए, वो सब का सब कैसा था, फाइनाइट सेट था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। और कुछ डाउट है तो पूछ लें कोई भी।